जरा सोचो, एक ऐसी जगह जहां ग्रेविटी इतनी तेज है कि कुछ भी नहीं बच सकता, यहां तक कि लाइट भी नहीं। ये जगहें इतनी रहस्यमयी और शक्तिशाली होती हैं कि इन्हें समझना बहुत मुश्किल है। ये है एक ब्लैक होल। ये ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली ऑब्जेक्ट्स में से एक हैं। स्पेस का वो हिस्सा जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि कुछ भी वापस नहीं आ सकता, यहां तक कि समय और स्थान भी विकृत हो जाते हैं। ये ब्लैक होल बहुत ही अजीब और इंटरेस्टिंग होते हैं। ये अपने आसपास के स्पेस और टाइम को भी बदल देते हैं। इनकी वजह से सितारे और गैस बादल भी अपनी दिशा बदल लेते हैं। बहुत सालों तक ब्लैक होल बस एक रहस्य थे, लेकिन आज साइंस की वजह से हमारे पास इनके होने के सबूत हैं। वैज्ञानिकों ने इनकी खोज और अध्ययन के लिए कई तकनीकों का उपयोग किया है। ब्लैक होल सिर्फ कहानियों में नहीं होते, ये असली चीजें हैं जो हमारे यूनिवर्स को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये ब्रह्मांड की संरचना और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इनका अध्ययन हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करता है। ब्लैक होल कैसे बनते हैं, यह सवाल हमेशा से वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य रहा है। जब बहुत बड़े बड़े स्टार हमारे सूरज से भी कई गुना बड़े अपना खत्म होने लगते हैं, तब एक ब्लैक होल का जन्म होता है। ये तारे अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंच जाते हैं। ये स्टार जब अपनी सारी एनर्जी खो देते हैं, तब ये अपने ही वजन से टूटने लगते हैं। इस प्रक्रिया को ग्रेविटेशनल कोलैप्स कहते हैं। ये टूटना इतना जबरदस्त होता है कि एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा ब्रह्मांड के सबसे चमकीले और शक्तिशाली घटनाओं में से एक है, और अगर ये स्टार बहुत ज्यादा भारी हो तो ये टूटते टूटते एक छोटे से पॉइंट में बदल जाता है, जिसे सपौंची कुप्तान की डिसाइन बात है, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। यह पॉइंट अनंत घनत्व और गुरुत्वाकर्षण का केंद्र होता है। यही सिंगुलैरिटी ब्लैक होल के बीच में होती है, जहां पर फिजिक्स के सारे नियम टूट जाते हैं। यहां पर समय और स्थान का कोई मतलब नहीं रह जाता। समय बिंब। सोचो, अगर आप एक ब्लैक होल में गिर जाएं तो क्या होगा? जैसे ही आप उसके नजदीक जाएंगे, आपको एक अजीब सी फीलिंग आएगी, जिसे कहते हैं स्पेगेटिफिकेशन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लैक होल का खिंचाव बहुत ज्यादा होता है, खासकर उसके बीच में। मान लीजिए आप अपने पैरों के बल ब्लैक होल की तरफ गिर रहे हैं। आपके पैर आपके सर से ज्यादा तेजी से खींचे जाएंगे, और इस खिंचाव में इतना फर्क होगा कि आप बिल्कुल स्पेगेटी की तरह खींच जाएंगे। हर ब्लैक होल के सेंटर में होती है सिंगुलैरिटी, एक ऐसा बिंदु जहां पर डेंसिटी इंफिनिटी होती है और वॉल्यूम जीरो। यहां पर फिजिक्स के हमारे सारे नियम फेल हो जाते हैं। सिंगुलैरिटी एक ऐसी जगह है जहां ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है और फिजिक्स के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। आइंस्टाइन के हिसाब से सिंगुलैरिटी एक ऐसा पॉइंट है जहां स्पेस और टाइम दोनों ही खत्म हो जाते हैं। सिंगुलैरिटी आज तक मॉडर्न फिजिक्स के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। क्या आपको पता है ब्लैक होल भी अलग अलग साइज के होते हैं? सबसे आम होते हैं स्टेलर मास ब्लैक होल, जो बड़े तारों के खत्म होने पर बनते हैं। ये हमारे सूरज से कुछ गुना ही बड़े होते हैं, लेकिन सुपरमैसिव ब्लैक होल बहुत विशाल होते हैं। ये हमारे सूरज से लाखों या करोड़ों गुना बड़े हो सकते हैं। ये विशालकाय ब्लैक होल ज्यादातर गैलेक्सीज के सेंटर में पाए जाते हैं, हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी समेत। और फिर होते हैं इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल, जो स्टेलर मास और सुपरमैसिव के बीच के अंतर को ब्रिज करते हैं। ब्लैक होल बहुत रहस्यमयी होते हैं, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट्स ने उनके बारे में बहुत कुछ जान लिया है। ब्लैक होल्स अंतरिक्ष के सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली वस्तुओं में से एक हैं। वे इतने शक्तिशाली होते हैं कि उनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से कुछ भी नहीं बच सकता, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं। सबसे बड़ी उपलब्धि थी 2019 में ब्लैक होल की पहली तस्वीर, जो इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने ली थी। ये तस्वीर एक विशाल उपलब्धि थी, जिसने हमें ब्लैक होल्स के बारे में और अधिक जानने का मौका दिया।
इवेंट होराइजन टेलीस्कोप दुनिया भर के रेडियो टेलीस्कोप का एक नेटवर्क है जो मिलकर काम करते हैं। यह नेटवर्क एक विशाल रेडियो टेलीस्कोप की तरह काम करता है, जिससे हमें ब्लैक होल्स की तस्वीरें लेने में मदद मिलती है। इस अद्भुत तस्वीर ने ब्लैक होल के होने का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया और आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत की कई भविष्यवाणियों की पुष्टि की। आइंस्टाइन ने भविष्यवाणी की थी कि ब्लैक होल्स का अस्तित्व होगा, और यह तस्वीर उनकी भविष्यवाणी को सही साबित करती है। साइंटिस्ट ब्लैक होल के आसपास के पदार्थों पर उनके प्रभावों का अध्ययन करके भी उनके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। ब्लैक होल्स के आसपास के तारे और गैसें उनके गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होती हैं, जिससे हमें उनके बारे में और जानने का मौका मिलता है। जब गैस ब्लैक होल में गिरती है तो यह एक एक्रेशन डिस्क बनाती है, जो अत्यधिक गर्म पदार्थ की एक चमकदार चक्र होती है जो तीव्र विकिरण उत्सर्जित करती है। यह विकिरण हमें ब्लैक होल्स के बारे में और अधिक जानकारी प्रदान करता है और उनके अध्ययन में मदद करता है।